तो हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। और गाइज, आज मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसको मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में नाम सुना था कि हाँ भाई, एमजी की तरफ से आने वाली एक एस्टर गाड़ी है, बहुत अच्छी बताते थे लोग इसको। एमजी को मैं हमेशा से ना क्रिटिसाइज करता आया हूँ। देखो, एमजी लवर बुरा मत मानना, ओनर मेरे साइड में ही बैठे हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। लेकिन मैं एमजी को ना हमेशा से ऐसे ही करता आया हूँ कि हाँ ठीक है, एमजी है, बस एक कोने में बैठी हुई है ये कंपनी। इतनी सारी कंपनीज के बीच में बिक रही है, इनकी गाड़ियां बिक रही हैं। लेकिन भाई, जो मैं चला देता हूँ ना एमजी, तो मेरे थोड़े से इनके लिए ना इज्जत बढ़ जाती है। मैंने हेक्टर डीसीटी चलाई थी, इनकी जो एमजी की आती है वो तो बड़ी महाबकवास गाड़ी है, वो परफॉर्मेंस नहीं देती। उसका बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये भाई, एक चीज आपको मैं बताऊं, ये बेस मॉडल है इसका, ये देखो, जिसमें आपको ये भी मिल रहा है, ट्रैक्शन भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल रहा है, सारी चीज मिल रही है यहाँ पे भाई। आपको एचडीसी हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है, पूरा सॉफ्ट टच। मतलब कौन कहेगा, मैं तो जब बैठा ना इसको, तो मैं भैया से पूछा, मैंने भैया टर्बो है ये? कहते नहीं, तो बेस मॉडल है। मैंने कहा क्या, ये बेस मॉडल है भाई, ये देखो आप यार, क्या फील ही इंटीरियर की अलग है यार। तो ये चीज है गाइस, आज हम इस गाड़ी को चला रहे हैं। अब जब चलाते हैं ना हम गाड़ियों को, तो हम उसको अपने तरीके से चलाते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ी में परफॉर्मेंस कैसी है, गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है, गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, हर चीज हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कवर करते हैं। क्योंकि जो ये एस्टर गाड़ी है ना, हम इसमें ओनर को कवर नहीं करते, ओनर से हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ओनरशिप इज डिफरेंट हो भाई, ओनरशिप में तो ओनर का ही रहता है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस में हमारी सारी चीजें रहती हैं। तो मैं ओनर से आपको मिलवाता हूँ। शशांक भैया कैसे हो? हाय, कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया भैया। ये क्या चलवा लिया आज आपने मेरे से? मैं मतलब स्विफ्ट ले जाओ भैया, ये दे जाओ मुझे यार, गजब है भाई, गजब है। कितने की पड़ी भैया आपको ये? मेरे को पड़ी 11,10,000 ऑन रोड। 11,10 की? आपको पता था कि इतनी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी में? एक्चुअली कहीं ना कहीं ये एक मेरा भी कंसर्न था कि रेगुलर यूज में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बट अदर गाड़ियों से मैंने कभी कंपेयर नहीं किया था। बट जैसा आपका एक एक्सपीरियंस रहा है अभी चलाने को, कहीं ना कहीं मैं भी एक पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि हाँ, गाड़ी में एक अच्छी परफॉर्मेंस है और एक अच्छी पावर है। कम्फर्ट वाइज, गाड़ी के लुक वाइज, गाड़ी के इंटीरियर वाइज 10 out of 10 गाड़ी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सही बात। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो वो कहीं ना कहीं आपने प्रूव कर दिया है कि आपको चलाने पे काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। अरे भैया, अच्छा मैं ना इसे रोड पे इतना देखता नहीं हूँ एस्टर को, तो ये आपकी शुरू के 5,000 वाली है? देखिए, इसके दो रीजन है, मैं आपको बताऊं। पहला तो जो एमजी ब्रांड है, दैट इज टू बी ओन्ड बाय शंघाई मोटर्स, साइक मोटर्स, तो एक चाइना का प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है। बट इट सेम लाइक द सिचुएशन ऑफ जगुआर, जैसे जगुआर टाटा ने ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी इंडिया ड्रिवन कंपनी है। तो सेम ये यूके की कंपनी है एमजी आपकी, और जो मैक्सिमम शेयर्स है वो आपके साइक के पास है। तो आज भी जो इसकी क्वालिटी, अगर आप इंडिकेटर वो सब देखेंगे, तो सेम यूरोपियन पैटर्न पे ही है आपके। ये देखिए इंडिकेटर, वैसे गाड़ियों में नॉर्मल उधर रहते हैं। तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अगर आप कंपेयर करोगे अदर गाड़ियों से, तो आई थिंक जो इनकी यूरोपियन टेस्टिंग हुई है उसमें तो 5 out of 5 है। इंडिया में नहीं हुई है, बट इंडियन टेस्टिंग के हिसाब से मैं अश्योर देता हूँ 5 out of 5 ही निकलेगी। बिकॉज जो डोर्स हैं, जो बोनट है, जो डिग्गी है, वो मैं खुद फील करता हूँ काफी हैवी है, बिल्ड बहुत हैवी फील होता है। तो गाइस, प्रॉपर ओनरशिप आप भैया का जल्दी देखोगे। अभी इसमें तो भैया से थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे हम बीच बीच में गाड़ी चलाते हुए। तो भैया, बेस मॉडल है ना ये? ये बेस मॉडल है, स्टाइल वेरिएंट है, और इसके ऊपर 3 मॉडल और होते हैं। बट हाँ, जैसा कि आपने बोला कि फर्स्ट 5,000 में मेरे को ये गाड़ी मिल गई थी, और आज की डेट में इसकी भी काफी वेटिंग चल रही है। काफी वेटिंग चल रही है। और गाइज, मैं भैया खुद एक चैनल रन करते हैं, वो किस नाम से भैया? शशांक त्रिवेदी, मेरे नाम से ही है। मैं लिंक आपको दे दूंगा। हाँ, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करता हूँ चैनल का, आप जाके भैया को परेशान कर दो मेल इंस्टाग्राम कर करके। एमजी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, और चैनल भाई का जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो इसकी परफॉर्मेंस, असली चीज जो है, NA इंजन है 4,000 के बाद इसकी, ये देखो, और पूरा 7,000 तक जाएगा पूरा। सेकेंड गियर में 100 चढ़ती है ये गाड़ी, ये देखो 101, ये देखो भाई क्या बात है। और थर्ड गियर में जैसी लगाऊंगा 140 पार जाएगी, ये देखो अब आप, थर्ड गियर में मेरी गाड़ी है 120, 130, 140 भी ज्यादा पार ही जाएगी भाई, 150 जाएगी भाई, 150, क्या बात है। और ब्रेकिंग पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि वहां तक तो बड़े प्यार से रोक लूंगा। हार्श ब्रेकिंग भी नहीं करी है मैंने, हार्श तो करके दिखाऊंगा आपको। ये तो बहुत सिंपल ब्रेकिंग करी थी, डबल ब्रेकिंग ट्रिपल ब्रेकिंग मार रहा हूँ मैं, और देखो कितनी प्रेम से रुक गई गाड़ी,
क्या बात है यार, मतलब MG की एक बात तो मैं कहूंगा यार, MG है ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ये बिचारों की। वैसे भैया ये डोंकी कार क्यों बोलते हैं इनको, एक्टर वैक्टर को, बड़ा मजाक भी उड़ता है यार, लेकिन जब चलाओगे ना तुम इसको ड्राइविंग सीट पे बैठ के तो गजब ही है भाई। चलो 0-100 करके दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का, सबसे पहले उसके बाद उससे पहले आपको ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं, और एक ओपिनियन और जानते हैं जो अपने तीसरा बंदा जो रोहन भाई है। रोहन भाई पीछे स्पेस कैसी है भाई? स्पेस हेडरूम अच्छा है और सीट कंफर्ट अच्छा है, पर लेग रूम मुझे थोड़ा कम लग रहा है। लेग रूम कम लग रहा है आपको? हाँ, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है तो 6 फीट से ऊपर के बंदे बैठेंगे तो कम लगेगा, तो उनको कम लगेगा। हाँ। ओनर सेटिस्फाई हुई? आई थिंक बात सही है भाई की, बिकॉज लेग रूम इसका क्या है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है अगर आप बाकी के एसयूवी से कंपेयर करोगे। आगे की सीट में कोई चैलेंज नहीं, लेकिन पीछे की सीट में अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। मतलब कि अगर जो क्रेटा सेल्टोस है उनमें थोड़ी स्पेस ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरे बलेनो में लेग रूम इससे ज्यादा है। अच्छा, ये देख लो भाई, लेग रूम की भाई ने शिकायत रखी है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ड्राइवर अगर इसको 5-6 घंटे लगातार भी चलाएगा तो उसे थकान नहीं होगी। एक्चुअली मेरा होम टाउन कानपुर है तो मोस्टली मैं ट्रेवल करता रहता हूँ, तो 500 किलोमीटर की जर्नी मैं सिर्फ वॉशरूम जाना है तो 10-15 मिनट के रोका। हाँ। उसके अलावा मुझे बिल्कुल थकान, आपको थकान नहीं होती हो? बिल्कुल नहीं होती बात है। कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है गाड़ी के कंफर्ट में, गाड़ी की परफॉर्मेंस में। सही बात है। आई थिंक मैं 3-4 बार जा चुका हूँ तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है। चलो गाइस 0-100 करके दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का, ट्रैक्शन ऑफ कर लेता हूँ। ये लो जी, ट्रैक्शन भी ऑफ कर लिया मैंने, ये देखो ट्रैक्शन ऑफ, ये आगे लाइट, और इसका ESC भी ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे अब देखना स्टेबिलिटी कंट्रोल भी ऑफ हो गया, दोनों चीजें ऑफ हो गई हैं। लॉन्च करेंगे हम गाड़ी को बढ़िया तरीके से, टाइमर आपकी स्क्रीन के नीचे है वहां पे देख लेना। 3-2-1 और माय गुडनेस भाई, 100 सेकंड गियर में जाएगी, तीसरे गियर की जरूरत ही नहीं है भाई, बेकार हो गया यार काम। ये ऑडी आ गई सामने, चलो कोई नहीं, लेकिन देखा आपने जिस तरीके से ये भाग रही थी, चलो यहीं से चढ़ा लेंगे 100 तो यहीं पे चढ़ जाएगी। दोबारा देखो गाइस, दोबारा देखना अब आप, जल्दी से करते हैं फिर गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो चलो देखना, अब देखना आप। ओ भाई साहब, सेकंड गियर में ही जाएगी 100, ये देखो टच सेकंड गियर में भाई 100 चढ़ गई। आपने देख लिया आपकी स्पीड, जो भी टाइमर था वो आपकी स्क्रीन पे आ गया, और 3 जने बैठे हैं हम इस गाड़ी में, उस हिसाब से देखना। सिंगल जने का आप इससे जितना भी ये सेकंड आया उससे 1 सेकंड और कम कर सकते हो अगर आप सिंगल इसका 0-100 कर रहे हैं तो। 3 सेकंड कह रहा हूँ, 3 जने बैठे हैं हम उसमें, आप ये देख रहे हैं। बाकी अब एक बार ब्रेकिंग और टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी की, बाकी बॉडी रोल वगैरह सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। बस जल्दी से ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं, और मैं एक बार आपको ब्रेकिंग और टेस्ट कराऊँ इसकी बढ़िया तरीके से। 80 पे मैं ब्रेक लूँगा, 80 चढ़ गई है, टाइट से पकड़ लो भैया। 3-2 एक मिनट, अब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेकिंग, पीछे कोई व्हीकल नहीं है, हमने अच्छे से देख लिया है। क्या बात है, बताओ अब बातचीत है ना, ज्यादा ही वर्क कर गया इसका। देख लो ट्रैक्शन ऑफ था इसमें, एकदम वहीं रुक गई जहाँ हमारा। देखो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी अप्लाई हो गई है गाड़ी की, ये अभी बंद हो जाएगी भाई। गजब यार, मतलब मैं कहता हूँ बढ़िया, कहाँ से ऑफ होता भी हो गया, तो ये चीज़ है। ट्रैक्शन ऑफ था इसमें, ब्रेकिंग आप हमेशा ट्रैक्शन ऑन में ही टेस्ट करोगे। ट्रैक्शन ऑन में अगर आप इसका, मतलब अगर ट्रैक्शन ऑन होता और इसका ESC भी डिसेबल कर रखा है मैंने, मतलब गाड़ी और सीधी रुकेगी और खड़ी रुकेगी, और शेयरिंग कहीं मतलब लेफ्ट राइट गया ही नहीं, एक लाइन में रुकी है भाई गाड़ी। तो भाई 4 डिस्क भी है इसमें? 4 डिस्क। क्या बात है, बेस मॉडल है ये, है ना? बेस मॉडल है यार, हद हो गई यार, वैल्यू फॉर मनी। और आप बताओ रोहन भाई कितने की पड़ी होगी? 11 लाख की भैया, 11 लाख। मैं तो कहता हूँ लोग ग्रैंड विटारा और ये सब लेते हैं, क्यों लेते हैं? सबसे बढ़िया तो ये लो यार। मेरा एक मतलब ग्रैंड विटारा लेके आया है और उसके दरवाजे और इसके दरवाजे दोनों हमने चेक किए, तो उसका कागज था गेट, मतलब ऐसे एक उंगली से आप बंद कर रहे हो और इसके दरवाजे में एक आपको प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ रही है। मजेदार मजेदार। आपने 14,000 चला ली भैया है? हाँ जी, हाँ जी। तो एक साल हो गया, फरवरी में हो जाएंगे, 22 फरवरी को ली थी। हाँ, आप बता रहे हो ना आपका होम टाउन कानपुर है, तो आप गाड़ी से ही जाते आते हो? गाड़ी से ही जाता आता रहता हूँ, तो डेली की
ड्राइव तो मेरी टॉप इसका पंजा कितना दबा रखा है आपने? मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसका छोटा सा, 150-155 चलाई है मैंने। आपने चलाई है लेकिन उससे ऊपर तो जाएगी, बड़े प्यार से जाएगी, आराम से जाएगी, बट चूंकि हाईवे में भी थोड़ा सा क्या रहता है, रश आ जाता है, उस वजह से उससे ज्यादा मैं नहीं भगा पाया, बट 180-190 तक आराम से जाएगी। अगर इसमें 6 गियर दे देते ना तो एवरेज और अच्छी देती है, अभी 12.8 की दे रही है। अभी तो गिर गया होगा बिकॉज आप, हाँ हम ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, सही बात, बट एवरेज इसका है लो, ये एक ड्रॉबैक है इसका, एवरेज है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका बॉडी वेट ज्यादा है, तो गाड़ी जो एवरेज है नॉर्मल अगर क्रेटा आपकी 14-15 देगी तो ये 12-13 की रेंज में रहेगी। हाँ जी बताओ। पर एक चीज है कि ये जो हाई राइडर है और विटारा और क्रेटा से ज्यादा प्रीमियम फील दे रही है, सॉफ्ट टच मटेरियल बहुत प्रीमियम फील दे रही है, स्टीयरिंग बेहतर है, कंट्रोल है, बस क्रूज कंट्रोल और होता ना, बताओ इसके ऊपर वेरिएंट लेने की जरूरत ही कोई जरूरत ही नहीं, सारे बेस मॉडल उठाते हैं, मतलब यार बेस मॉडल में इतने सारे फीचर दिए हुए हैं। अच्छा एक और चीज कंपनी ने शायद इसका बेस मॉडल जो है अभी उसको चेंज करके एस्टर EX के नाम से कर दिया है। अच्छा, तो आपको जो ये ट्रैक्शन कंट्रोल और ये हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहे हैं तो अभी उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे, तो यही गाड़ी आज के फायदे में खेल गए, 11 लाख की है वो इस वक्त आपकी 12-13 लाख के अराउंड आ रही है। सही बात है। और भाई बॉडी रोल की बात कर लूं मैं, अगर नहीं इतना खास बॉडी रोल नहीं लगा भाई मुझे इस गाड़ी में, रुको अच्छे से करूंगा, ब्रेक पे भी पैर था मेरा, अच्छे से बॉडी रोल टेस्ट करता हूँ। बातचीत है भाई 60 की स्पीड पे, तो लगता इसके टर्बो लेने की जरूरत ही नहीं, इसके टर्बो तो फिर इसका टर्बो तो और होगा बहुत भागता होगा वो तो, और ये स्लो डाउन दिखा देता है 80 के बाद। अब बॉडी रोल टेस्ट करते हैं एक बारी, हैंडलिंग बहुत बहुत प्यारी है भाई, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है भाई। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो शायद किसी भी गाड़ी में नहीं है, इसका एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर आपको शायद बड़ी बड़ी प्रीमियम कार में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं गया, अभी मैं कार पे आया, अब गाड़ी आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस पे गया, अभी स्टेयरिंग आप देख रहे हैं काफी लाइट है, ठीक है अभी आप यू टर्न ले लीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा स्टेयरिंग सेट कर रहे हैं, के तीन मूड है, आप स्टेयरिंग को लाइट वेट हल्का सा ये 300 में भी है भैया। अच्छा और अल्ट्रा लाइट भी कर सकते हैं, डायनेमिक पे कर रहे हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ डायनेमिक पे करके, और कॉन्फिडेंस फील होएगा है ना गाड़ी नहीं, डायनेमिक में आपकी काफी भारी हो जाएगी और नॉर्मल में उससे हल्की, और अर्बन में एकदम अल्ट्रा लाइट जैसे आप अभी कर रहे हैं। देखिए डायनेमिक में करा मैंने, स्टीयरिंग भारी हो गया, स्टीयरिंग भारी हो गया, हाई स्पीड पे सही रहता है, शेयरिंग भारी हो गया भाई, नॉर्मल पे करता हूं तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, देखिए अभी एक मिनट, हां हल्का हो गया, अब मैं अर्बन में करूंगा तो अल्ट्रा लाइट, अब देखिए आप प्ले बढ़ गई शेयरिंग में ना, डायनेमिक को करना एक बार, ये क्या भाई अब चेक करना जरा, देखो अब कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हां गाइस ये वीडियो में पॉइंट कवर कर लो कि डायनामिक में वीडियो, ये अगर इसको डायनामिक में डालोगे ना तो बॉडी रोल बहुत, और गाड़ी हैवी फील हो रही है भाई, ये देखो कितनी स्टेबल हो गई, पहले कैसे हिल रहे थे। तो बेस मॉडल में आपको ये भी एक फीचर मिलता है मजे, हाँ लेकिन 300 के बेस में नहीं मिलता ये चीज आप देख लो भाई, 300 में मिलता है लेकिन बेस में नहीं मिलता, अब 400 में भी आता है ये जो ईवी है, लेकिन क्या बात है मजेदार। चलो गाइज ड्रैग रेस आप लोगों ने इस गाड़ी की देख ली होगी स्विफ्ट और बलेनो के साथ, और रोहन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।